हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ मेटावर्स के बारे में, और शायद आप में से काफी लोगों ने ये नाम पहले भी सुना होगा, क्योंकि ये वर्ड तभी फेमस हुआ था जब फेसबुक ने अपना नाम बदल कर मेटा रख दिया था। तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा मेटावर्स क्या है, और कोशिश करूंगा ये बताने की कि क्यों ये एक बहुत ही बुरा कंसेप्ट हो सकता है। ये वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, और मैं चाहता हूं कि आप सभी इस वीडियो को जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं उतना करें, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और उन्हें भी इसके बारे में पता चल सके। तो वीडियो को ज्यादा लंबी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, हमारी टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ती जा रही है। उसी बीच मार्क जुकरबर्ग सर ने हमें कुछ ऐसा बताया जिसे सुनने के बाद लगभग सभी के चेहरों पर खुशी की एक लहर झूम उठी होगी। उन्होंने हमें फ्यूचर के एक कंसेप्ट के बारे में बताया जिसका नाम है मेटावर्स। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या है ये मेटावर्स। तो जिन लोगों को नहीं पता मेटावर्स क्या है, तो चिंता मत करो, मैं हूं ना बताने के लिए। मेटावर्स एक ऐसी वर्चुअल दुनिया है जहां पर यूजर्स यानी हम सब एक ऐसी डिजिटल दुनिया में रह सकते हैं, जहां पर आप अपने घर में बैठे बैठे अपने दोस्तों से मिल सकते हैं, नए दोस्त बना सकते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कभी भी कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, लाइव कॉन्सर्ट देख सकते हैं, अपना जमीन खरीद और बेच सकते हैं, और भी बहुत कुछ। तो इस कॉन्सेप्ट के बारे में हमें बताया मार्क जुकरबर्ग ने। मेटावर्स एक ऐसी वर्चुअल दुनिया जहां पर आप सब जो देखोगे, महसूस करोगे, ये सब कुछ कंट्रोल करेंगे मार्क जुकरबर्ग। ये एक काफी बड़ा प्रोसेस है, और फेसबुक बहुत कुछ कर रहा है टू शो हिज सुप्रीमेसी ऑन अस। मुझे तो स्टार्टिंग में ये लगता था कि कैसे एक सोशल मीडिया कंपनी अपना ही एक यूनिवर्स बना देगी, लेकिन जब मैंने मेटावर्स पर कुछ वीडियोस देखे, उनके बारे में कुछ आर्टिकल्स पढ़े, रिसर्च करी, तो मुझे कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन मिले जो मुझे लगा कि ये सब आपको भी पता होने चाहिए कि क्यों ये फ्यूचर में एक बैड आइडिया हो सकता है। और इसका रीजन सुनकर आप भी शायद सरप्राइज हो जाओगे। इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, जो वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन में जिनकी गिनती होती है, जिनका नाम लगभग सबने सुना होगा, उनका प्लान है स्पेस टूरिज्म को पॉसिबल बनाना, ताकि सभी लोग स्पेस ट्रैवल कर सके। मतलब वैसे ही जैसे हम सब कहीं घूमने जाते हैं, वैसे ही स्पेस में भी जा सके। ऑन द अदर हैंड, मार्क जुकरबर्ग ये चाहते हैं कि यहीं पर रहकर एक ऐसी वर्चुअल दुनिया बनाई जाए जहां सब पॉसिबल हो। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूं, फेसबुक दुनिया की 8th लार्जेस्ट कंपनी है, जिसने लगभग 2 बिलियन से ज्यादा लोग इसे यूज करते हैं, और मार्क जुकरबर्ग अपनी मोनोपोली को बनाने के लिए मेटावर्स का यूज करेंगे बाय एंगेजिंग अस टू लिविंग अ वर्चुअल वर्ल्ड। और इन सब में उनका सपोर्ट करेंगे बहुत सारे फेमस पर्सनालिटी, कंटेंट क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर और भी बहुत लोग, क्योंकि उनके ही सपोर्ट से आम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन जल्दी पहुंचेगी और लोग इसे यूज करने के लिए बेताब हो जाएंगे। और कौन नहीं चाहता कि सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उनके पास हो। इस टेक्नोलॉजी को सुनकर सबसे पहले तो हमें लगेगा कि कितनी इंटरेस्टिंग चीज है ना ये। मतलब एक ऐसी दुनिया जिसमें हम सब कुछ कर सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं, पर शायद आपको पता नहीं इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। तो मैं सारे इन्फॉर्मेशन को इस छोटे से वीडियो में नहीं दे सकता, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा मैक्सिमम पॉइंट्स कवर करने की, व्हाई मेटावर्स इज नॉट अ गुड आइडिया। तो सबसे पहले बात करते हैं साइबर बुलिंग की। जिसको नहीं पता साइबर बुलिंग क्या होता है, तो मैं कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूँ। तो जैसे किसी को मीन टेक्स्ट करना, किसी के सोशल को हैक करना, किसी के साथ फोन कॉल पर प्रैंक करना, ऑनलाइन गेम में किसी से रूडली बिहेव करना, किसी के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करना, ये सब आते हैं साइबर बुलिंग में, और ये एक क्राइम है। मुझे अदर कंट्रीज का तो नहीं पता, पर इंडिया में ये बहुत होता है, और इसे रोकने के लिए काफी कानून है। सो अगर कोई आपको साइबर बुलिंग करता है, तो आप उसके अगेंस्ट केस भी फाइल कर सकते हैं। तो मैं बात करता हूँ मेटावर्स की, तो मेटावर्स में तो ये बहुत ज्यादा होने वाला है। मुझे बाहर का तो नहीं पता, पर इंडिया में बहुत होगा। तो अब चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर। तो हमारा दूसरा पॉइंट है क्राइम। तो जैसे आपको पता है कि ऑनलाइन दुनिया में कितने फ्रॉड्स होते हैं, कितने हाई प्रोफाइल लोगों के अकाउंट हैक हो जाते हैं, तो आपके अकाउंट को भी कोई हैकर इजीली हैक कर सकता है। तो ऐसे में ऑनलाइन क्राइम के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और भी रीजंस है क्राइम में, जैसे कि आपको पता है कि कोई किसी से भी मिल सकता है ऐसी वर्चुअल दुनिया में, तो सोच के देखो क्राइम होने के चांसेस कितने ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो तीसरे पॉइंट की बात करें, तो वो आता है इसका एल्गोरिथम। तो शायद आपको पता होगा या नहीं, पर फेसबुक का जो एल्गोरिथम है
वो खुद ब खुद डिसीजन लेता है। वो खुद रिकमेंड करता है लोगों को कि उन्हें ऑनलाइन क्या देखना चाहिए, और इस चक्कर में वो काफी बार गलत चीजें रिकमेंड करना शुरू कर देता है। एग्जाम्पल के लिए, कोई ऐसी वीडियो या इमेज जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल है वो सब प्रमोट करना शुरू कर देता है फेसबुक। और मेटावर्स में भी फेसबुक के एल्गो यूज होंगे, तो उसमें भी हमें काफी इनएप्रोप्रिएट एडवर्टाइजमेंट और रेशियल इशू फेस करने पड़ेंगे। तो अगले पॉइंट की बात करें तो ये आता है लिविंग इन अ फेक वर्ल्ड। आपको या किसी को भी ये वर्चुअल वर्ल्ड काफी फैसिनेटिंग लगेगी, और लगे भी क्यों ना, आप लगभग सब कुछ कर सकते हो जो कि रियल वर्ल्ड में करना इम्पॉसिबल सा लगता है, और यहीं पे प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। आप वर्चुअल दुनिया में ही सब कुछ कर तो लोगे, पर जैसे ही आप अपना VR हेडसेट हटाओगे आपके आसपास कुछ नहीं बदला होगा, और आप डिसअपॉइंट ही रहोगे, और आप वर्चुअल दुनिया में ही हैप्पीनेस ढूंढने की कोशिश करोगे। एक टर्म है डोपामीन। डोपामीन एक ऐसा केमिकल है जो आपका ब्रेन रिलीज करता है जब आप एक्साइट होते हो, जब आप कुछ अचीव करते हो लाइफ में। इसकी और डिटेल जानने के लिए आप हमारी पिछली वीडियो गुड एंड बैड इम्पैक्ट ऑफ गेमिंग में इसको बेहतर तरीके से जान पाओगे। और ये सब चीजें फेसबुक जैसी कंपनी अच्छे से जानती है, इसीलिए ये कंपनीज यूजर्स को सोशल मीडिया पे एंगेज करके रखती है। और ऐसा ही होने वाला है मेटावर्स में, और इसकी वजह से आप रियल लाइफ में कोई प्रोडक्टिव काम भी नहीं कर पाओगे, तो ये आपके सपने को तबाह करने जैसा है। तो फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो आता है डेटा प्राइवेसी। तो क्या लगता है आपको कि ऑनलाइन वर्ल्ड में आप सेफ हैं, आपका डेटा किसी के पास नहीं है? और जहां तक बात है फेसबुक की, तो आपको क्या लगता है आपका डेटा मार्क जुकरबर्ग के पास सेफ है? तो एक बार जरा इस वीडियो को देखें। Imagine this for a second. One man with total control of billions of people's stolen data. All their secrets, their lives, their futures. Whoever controls the data controls the future. शायद इस छोटी सी लाइन से आप समझ ही गए होंगे, और एक और वीडियो में आपको दिखाना चाहूंगा। Toys are what I'm the most interested in right now. If I were to buy something right now, it would be dog toys. First website up. Oh my god! It's right there. आपका हर एक डेटा फेसबुक के पास जा रहा है, इवन आप फेसबुक यूज भी नहीं करते तब भी, और उनका एल्गो किसी को भी इजीली रिकॉग्नाइज कर सकता है। तो ये तो भूल जाओ कि आप ऑनलाइन वर्ल्ड में सेफ हो, और मेटावर्स भी आपका डेटा को सेल करके ही एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ये कंपनीज अपना पैसा कमाएंगी। तो अगला पॉइंट है फ्री स्पीच के ऊपर। तो फ्री स्पीच मेटावर्स के अंदर तो शायद होगी ही नहीं, और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ चलिए बताता हूँ। तो फ्री स्पीच क्या है? आपको कोई चीज़ गलत लगती है और आप उसके अगेंस्ट कुछ बोलना चाहते हो तो भी नहीं बोल सकते, क्योंकि ये कुछ लोगों के लिए खतरा है, जैसे मार्क जुकरबर्ग। तो अगर फ्री स्पीच मेटावर्स में होगा तो ये शायद जुकरबर्ग के लिए भी खतरनाक होगा। चलिए कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ जिन्होंने जुकरबर्ग के खिलाफ रिवोल्ट किया था और उन्हें बैन कर दिया गया था सोशल मीडिया से विदाउट एनी रीजन। उनमें स्मॉल बिजनेस भी इंक्लूड है, तो जो चीजें वो फेसबुक में कर सकते हैं वो चीजें वो मेटावर्स में क्यों नहीं कर सकते? सो आई थिंक कि फ्री स्पीच या डेमोक्रेसी मेटावर्स में शायद नहीं हो सकती। तो ये तो कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने कवर किए। बनाने को तो और भी पॉइंट्स बन सकते हैं, पर जो मेन प्रॉब्लम जो मुझे लगती है मैंने आप सबके सामने रखा। पर्सनली मेरी मानो तो मैं मेटावर्स को हेट नहीं करता, मैं तो सपोर्ट करता हूँ न्यू टेक्नोलॉजीज को, क्योंकि ये हमें एडवांस बनाती है। पर हमें टेक्नोलॉजीज के साथ साथ अपने आसपास का भी ख्याल रखना चाहिए। किसी टेक्नोलॉजी से अगर किसी का नुकसान होगा तो उस टेक्नोलॉजी का फायदा ही क्या? खैर, ये तो मेरा ओपिनियन था, और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कर देना, और हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, आपसे फिर मुलाकात होगी अगली किसी ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।